ghamasan.com मैं हूं आपके साथ दीक्षा खनप्रिया। धारा 370 हटे पर पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है और पाकिस्तान के मंत्री ने ये कहा है कि भारत को इसका जवाब देना होगा और उन्होंने भारत को युद्ध की धमकी देते हुए कहा है कि भारत को जंग के लिए तैयार रहना होगा। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के मोदी सरकार के फैसले से सबसे ज्यादा खलबली पाकिस्तान में मची है। इस फैसले पर सबसे ज्यादा आपत्ति पाकिस्तान ने जताई है। पाकिस्तान लगातार इसका विरोध कर रहा है और मुस्लिम देश और अपने मित्र देशों से लगातार गुहार लगा रहा है कि लेकिन उसे किसी का साथ नहीं मिल रहा है। इस मामले पर पाकिस्तान अकेला पड़ गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को बयान जारी कर कहा कि भारत अधिकृत जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर विवादित क्षेत्र है। इस अंतर्राष्ट्रीय विवाद में एक पक्ष होने के नाते पाकिस्तान इस अनुचित कदम का विरोध करने के लिए हर विकल्प का इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान सेना के बिजनेस पर किताब लिखने वाली मशहूर लेखक आयशा सिद्दीकी ने कहा कि सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के डायरेक्टर को ये भनक क्यों नहीं लगी, भारत कश्मीर में क्या करने की योजना बना रहा है, ये एक सरप्राइज की तरह क्यों हमारे सामने आया। कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ खड़े होने वाले इस्लामिक सहयोग संगठन की तरफ से भी धारा 370 खत्म करने को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। बता दें कि 4 अगस्त को ही इस्लामिक देशों के संगठन ने कहा था कि भारतीय अधिकृत जम्मू कश्मीर में बिगड़ते हालात चिंताजनक है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान का सबसे करीबी दोस्त चीन भी अब इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है। वहीं यूएस विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मोर्गन ओटागस ने बयान जारी करते हुए कहा कि हम जम्मू कश्मीर के घटनाक्रमों पर करीबी से नज़र बनाए हुए हैं। हम इस बात का संज्ञान लेते हैं कि जम्मू कश्मीर का संवैधानिक दर्जा बदलने के फैसले को भारत ने सख्त तौर पर अपना आंतरिक मामला करार दिया है। पाकिस्तान को अभी तक 370 के विरोध में केवल तुर्की का साथ मिला है। पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान को सोमवार को फ़ोन कर मदद मांगी और उन्होंने भारतीय अधिकृत कश्मीर में बदलते हालात पर पाकिस्तान को मदद देने का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि सोमवार को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को 2 टुकड़ों में बांट दिया है, जिसके बाद अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश होंगे। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.